अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। राइट नाउ आप मेरे फेस पे मेकअप भी देख सकते हो और स्किन पे काफ़ी ज़्यादा करीब से देखोगे तो पसीना भी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं डे टाइम में शूट कर रही थी एक शॉर्ट वीडियो और लिटरली 1 से 2 घंटे हो गए मुझे ये वाला शूट करने। सो मेरे मेन चैनल पर आएगा ये वाला लुक एंड इसका शॉर्ट्स, तो ज़रूर देखिएगा। और ये वाला ड्रेस मैंने मेरे एनिवर्सरी पर बनाई थी, मैं 2 साल पहले मैंने खुद ही स्टिच किया था, तो कुछ इस तरह से मैंने स्टाइल किया है। सारा कुछ आएगा मेरे मेन चैनल पर, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। एंड एक लिटरली आज मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ एंड आप मेरा मेकअप देख सकते हो करीब से कि लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना स्वेटिंग हो रही है। और अभी मैं कूलर के सामने ही बैठी हूँ, तो अभी 1-2 रील्स मैं बनाऊंगी, उसके बाद देन अपने मेकअप को उतार दूंगी। मुझसे तो नहीं होगा क्योंकि काफ़ी 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 ज़्यादा गर्मी है। आप लोग के यहाँ कैसा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा लुक एंड पूरा ड्रेस कैसा लग रहा वो भी ज़रूर कमेंट करना। तो लंच मैंने बना दिया, हस्बैंड गए हुए बाहर, आज भी हस्बैंड को मेरे डिनर में जाना है तो वो जाएँगे शाम में। और मैंने सोचा कि मैं रेगुलरली शॉर्ट्स अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, तो चलिए फिर आगे जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी। सो गाइज मैंने शूटिंग हो गई है कंप्लीट, तो अभी अपने मेकअप को रिमूव करने वाली हूँ। आई थॉट कि आपके साथ प्रॉपर शेयर करूँ कि मैं अपने मेकअप को कैसे रिमूव करती हूँ, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एवरीडे मेकअप करने से आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगर आपकी स्किन अगर आपने अच्छे से केयर नहीं की, स्किन केयर नहीं किया आफ्टर मेकअप के बाद भी आपको अच्छे से स्किन केयर करना होता है, अगर आप वो नहीं करोगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली आपको एक्ने पिंपल्स है एंड स्किन रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम्स होंगे। तो ज़रूर आप एवरीडे मेकअप भी कर सकते हो, बट उससे पहले स्किन को अच्छे से प्रेप करें, देन उसके बाद मेकअप के बाद किस तरह से रिमूव करना होता है वो भी ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मेकअप करने के बाद किस तरह से मेकअप को रिमूव करना भी चाहिए। काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, तो अगर आप हैवी बेस मेकअप कर रहे हो तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। होप आपको आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो ये सारे वीडियोज़ मैं अपने मेन चैनल पर डालती हूँ शाजी स्टाइल, आई थॉट के आपके साथ भी शेयर करूँ कि किस तरह से मेकअप करने के बाद मेकअप को उतारना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं ये टूलिप्स के कॉटन बॉल्स यूज़ कर रही हूँ, और ये गार्नियर का मैसेलर वाटर जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप कोकोनट ऑयल से मेकअप को रिमूव कर सकते हो, या फिर कोई भी आप जेंटल ऑयल या फिर बेबी वाइप्स या फिर कोई भी वैसलिन हो गया या फिर बाम हो गया, इससे भी रिमूव कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, इस मेकअप को रिमूव करते हैं। एंड घर के कपड़े डालने पर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है, फीलिंग सो 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 गुड, क्योंकि गर्मी में मैंने छुट किया है, अभी 4 बज रहे हैं लिटरली। बच्चों को भी अरबी के लिए भेजना है, तो एक काम करती हूँ पहले बच्चों को अरबी के लिए भेज देती हूँ, देन उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। रीना यान रेडी है, इन लोगों को अरबी को भेजूँगी, उसके बाद मैं अपना मेकअप रिमूव कर आपको बताती हूँ। अभी मैं लोगों को सबक पढ़ाने वाली हूँ, सबक पढ़ा कर वो लोग चले ही जाएंगे, तो फिर उसके बाद अपन मेकअप रिमूव करेंगे, उसके बाद मैं खाना भी खाना बाकी, अभी तक मुझे खाना भी मैं नहीं खाई हूँ। सो बच्चे चले गए हैं एंड अभी मैं आ गई हूँ, तो चलिए मेकअप को रिमूव करते हैं। सो मैं पहले यहाँ पर मैं गार्नियर का ये मैसेलर वाटर ले रही हूँ, ऑलमोस्ट ख़त्म पे ही है। एंड ये कॉटन पैड्स मैंने जस्ट 50 रुपीज़ के 60 आपको इस तरह से मिल जाएंगे, या फिर 50 मिलेंगे 60 रुपीज़ में, इस तरह के छोटे छोटे कॉटन बॉल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं अगर आप कहीं भी जा रहे हो, या फिर तो ईज़िली आप इसे रख सकते हो अपने पर्स में। तो इसे मैं इस तरह से लेकर, आप देख सकते हो ये आपके मेकअप को बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है। तो एक मैसेलर वाटर आप एक बार ज़रूर परचेज कर ले, ये वाला काफ़ी दिनों तक चल जाता है और काफ़ी अफोर्डेबल भी आता है, अंडर 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। तो प्रॉपर मैं यहाँ पर पहले अपने फेस का निकालूंगी, देन उसके बाद आई मेकअप निकालूंगी। आपको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एज यू कैन सी वाटरप्रूफ मेकअप को भी बहुत ही आसानी से उतार देता है, जैसे कि मस्कारा हो गया, लाइनर हो गया, तो उसे अच्छे से रिमूव करना होता है। एज यू कैन सी आपको ऐसे तो नहीं दिखेगा कि आपके लैशेस पर मस्कारा है या फिर आईलाइनर है,
बट आप मेकअप रिमूवर का जब भी इस्तेमाल करोगे तो आपको फील होगा कि आपके इतना ज़्यादा ब्लैक ब्लैक कलर का आपके आईज में से निकलेगा। तो इसे अच्छे से रिमूव करने के बाद फेस को आपके कोई भी फेस वॉश से या फिर सोप से है, आप जो कुछ भी यूज़ करते हो उससे अच्छे से वॉश कर लें। तो मेरा बाहर है सोप, तो मैं जल्दी से अपने फेस को वॉश कर अभी आती हूँ। सो यहाँ पर मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है एंड मैं नेचुरल लाइट में शूट कर रही हूँ क्योंकि सारे लाइट्स मैंने बंद कर दिए। एक ट्यूबलाइट यहाँ की चालू है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी 4:15 हो रहे हैं फिर भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। कूलर भी चालू है, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो फेस को वॉश करने के बाद वीक में 2 बार आपको अच्छे से फेस पे स्क्रब करना चाहिए। तो स्क्रब के लिए मैं ये हिमालय का नीम स्क्रब यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी जेंटल है। आप एक बार इसे परचेस कर लो, 50 या 60-75 रुपीज़ का ये आता है। आपको काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है, तो बस इतना सा मैं अमाउंट में लूँगी एंड देन अच्छे से अपने फेस पर स्क्रब करूँगी। इससे जो भी आपके डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं। तो वीक में 2 बार आप ज़रूर यूज़ करें। यहाँ पर नोज पर आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करें। ज़्यादा आपको हैवीली प्रेशर नहीं देना है, फिंगर टिप की हेल्प से हल्के हल्के हाथों से आपको इस तरह से। एंड यहाँ पर चिन के पास भी आपको ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो जाते हैं, तो यहाँ पर करें। एंड माउथ के अराउंड आपको ब्लैकनेस हो जाती है, तो इससे आराम से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर फोरहेड पे जस्ट 1-2 मिनट के लिए आपको करना है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको स्क्रब नहीं करना है। ज़्यादा हार्शली भी रब नहीं करना है, जस्ट जेंटली मसाज करना है इस तरह से। एंड देन आप ठंडे पानी से या फिर गुनगुने पानी से फेस को वॉश कर ले। वीक में 2 बार ज़रूर करें। 1 महीने में ही आपकी स्किन में रिजल्ट देखोगे कि आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहेगी एंड आपको कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे। इवन आप रोज़ मेकअप भी करोगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अच्छे से मैंने मसाज कर लिया है, तो चलिए मैं जल्दी से फेस को वॉश कर आती हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फेस को मैंने वॉश कर लिया है। यू कैन क्लियरली सी कि मेरा फेस जो है काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। तो मैं भी कोई भी फेस मास्क नहीं लगा रही क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं भी खाने जा रही हूँ दोपहर का। तो यहाँ पर मैं टोनर का यूज़ कर रही हूँ। टोनर के लिए आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्किन पर आप स्क्रब करने से आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो आपको पोर्स को बंद करना होता है, इसके लिए हम टोनर का इस्तेमाल करते हैं। तो टोनर मैंने रोज़ वाटर को अपने हैंड पर ले लिया है, जस्ट इस तरह से डैब डैब कर ले, दैट्स इट। इससे आपके जो भी ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं एंड टोनर लगाने से स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहती है। एंड टोनर आपको रेगुलरली इस्तेमाल करना चाहिए। यू कैन सी टोनर लगाने से यू फील सो गुड, और ये रोज़ वाटर की स्मेल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी रिफ्रेशिंग है, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो सस्ते में जाना चाहते हो, कोई भी अच्छा टोनर देख रहे हो, तो रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हो। दैन उसके बाद कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें। तो यहाँ पर मैं ये विटामिन सी, गार्नियर की विटामिन सी ब्राइट क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये हल्का सा लगा लूँगी, ये थोड़ा सा वाइट कास्ट आपको देती है, इंस्टेंट आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस ही प्रोवाइड करती है। बहुत ही अच्छी क्रीम है, एज ए मॉइस्चराइज़र भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, डे टाइम नाइट टाइम दोनों में इसे यूज़ कर सकते हो। तो हल्का सा मैं इसे लगा लूँगी एंड यहाँ पर मेरा स्किन केयर कम्प्लीट होता है। जस्ट लिप बाम अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। यू कैन सी, सो ये नाइस लिप्स का लिप बाम है जो कि स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। तो मैं हल्का सा इसे लूँगी फिंगर में एंड देन इसे अप्लाई करूँगी। एंड पीछे आप अलीशा को देख सकते हो, अलीशा मैडम जो है फेस पर पाउडर लगा रही है। बस अलीशा को बस ऐसे ही होना है। सो दैट्स इट, फीलिंग सो गुड। मेकअप करने के बाद फेस काफ़ी हैवी लगता है, उसके बाद कपड़े ज्वेलरी सारा कुछ पहनने के बाद अब भी ज़्यादा गर्मी होती है। जब हम अपने घर के कपड़ों में आ जाते हैं ढीले ढाले, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। सो मैं अभी जा रही हूँ, लंच करूँगी देन उसके बाद चाय पीऊँगी। सो होप आपका आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट अनदर व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।